प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के सेमीफाइनल मुकाबले अब से कुछ ही देर में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की, जिसने अपने आखिरी मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स के साथ टाई खेला और बेहतरीन पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। जयपुर की टीम का रेड और डिफेंस दोनों ही बेहतरीन है। एक तरफ जहां अर्जुन देशवाल इस लीग के सबसे बेहतरीन रेडर है, तो वही अंकुश इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत डिफेंडर है। इसके अलावा टीम में अजीत कुमार और राहुल चौधरी जैसे बेहतरीन रेडर्स है। वही डिफेंस में अंकुश का साथ देने सुनील कुमार और साहुल कुमार जैसे डिफेंडर्स भी है। अब बात बेंगलुरु बुल्स की, जिसने मौजूदा चैंपियन दबंग दिल्ली को प्ले ऑफ में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम के पास भरत और विकास कंडोला की सबसे बेहतरीन रेडिंग जोड़ी है। टीम के सबसे बड़े डिफेंडर सौरव नांदाल इस टूर्नामेंट के तीसरे सबसे सफल डिफेंडर है। इसके अलावा टीम में अमन और कप्तान महेंद्र सिंह की डिफेंस जोड़ी है। कुल मिलाकर दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अब तक बेहतरीन खेल दिखाया है। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक दो बार आमने सामने हो चुकी हैं, जहां दोनों ने एक एक मुकाबले जीते हैं। बेंगलुरु की टीम के रेडर्स बेहतरीन है, तो वहीं जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस इस टूर्नामेंट का सबसे मजबूत डिफेंस है। जयपुर पिंक पैंथर्स सीजन 1 की चैंपियन रह चुकी है, तो वहीं सीजन 6 को जीत बेंगलुरु बुल्स भी पहली बार प्रो कबड्डी लीग चैंपियन बनी थी। एक तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स ने पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहीं बेंगलुरु की टीम ने एलिमिनेटर मुकाबले में मौजूदा चैंपियन दबंग दिल्ली को एक तरफा मुकाबले में हराते हुए तीसरे स्थान के साथ सेमीफाइनल में पहुंची। ऐसे में दोनों ही टीमें फाइनल से सिर्फ एक कदम दूर है और दोनों के बीच आज कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है।